हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोयाबीन मोमोज। उसके लिए हमने दो बोल सोयाबीन ग्रैनुअल्स लिए हैं। उसे हम दो मिनट के लिए नमक डाल के बॉयल कर लेंगे। इधर हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। इधर हमने वेजिटेबल्स काट ली हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फाइन चॉप्ड प्याज डालेंगे और इसे सौते करेंगे। फिर हमें इसमें बारीक कटी गार्लिक डालेंगे, बारीक कटी जिंजर डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल देंगे। प्याज को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ सौते करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें सोया ग्रैनुअल्स मिला लेंगे जो हमने उबाल के और स्क्वीज करके रखे हुए हैं। इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसका पानी अच्छी तरह नहीं निचोड़ा, ये मोमोज बनाते समय इसके पानी की वजह से पूड़ियाँ फटने लगेंगी और ये बाहर निकलने लगेगा। बढ़िया मोमोज बनाने के लिए इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया है, अब हम इसे साइड कर देंगे और दूसरा पैन रखेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद होममेड गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी पीसी काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर है, ये मैंने चिली सॉस डाला है, ये टोमेटो सॉस है, ये तीखा वाला टोमेटो सॉस है और ये सोया सॉस। इसको अच्छी तरह मिला लें। थोड़ा पक जाने के बाद फ्राइड सोया ग्रैनुअल्स मिला दें इसमें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सोया चूर की सब्ज़ी, अगर आप इसे मोमो में ना डालना चाहें तो ये ऐसे भी पराठों से बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें हरी मटर मिला लें, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मिला लें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे और मोमोज के लिए डो लगाएंगे। ये हमने एक बोल मैदा लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दें और हमने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी से इसे नीट करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है हमें, थोड़ा सा टाइट रखना है और इसे गूंथ के हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इधर हम पानी रख देंगे बॉयल होने के लिए। ये हमने फ्रिज से आटा निकाल लिया है, इसे वापस थोड़ी देर के लिए नीट करेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। छोटी छोटी, ये देखिए, इस साइज की लोइयां हम बना लेंगे और सारी पूड़ियां हम एक साथ बना के रख लेंगे। पूड़ियों को कोशिश करें आप कि बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें और हो सके तो किनारे आप इनके पतले ही बेलें, क्योंकि उन्हें दबाना होता है तो वो मोटे ना हो पाएँ। मैदे का डो बनाते समय मैंने इसमें कोई भी ऑयल या बटर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक और पानी से गूंथा है, क्योंकि ये बटर डालने से या फिर ऑयल डालने से फटने लगते हैं। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें एक बड़ी स्ट्रेनर रख देंगे। स्ट्रेनर में ऑयल लगाने की बजाय हम इस पर एक बटर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर मोमोज को रख के स्टीम देंगे। सारे मोमोज को फिल कर लेंगे। फिलिंग आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, कम फिलिंग रहेगी तो मोमोज का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप किसी भी शेप और साइज का मोमोज बना सकते हैं, अपनी मर्जी पे है। ये हर तरह से बना के भी ये स्टीम ही करने हैं तो ये स्टीम हो जाता है इजीली, तो आप कोई भी शेप दे के बना सकते हैं। ये मैंने पोटली शेप बनाया है, आप गुजिया शेप, मोदक शेप, कोई भी शेप बना सकते हैं। कुछ मोमोज हमारे तैयार हो गए हैं, हम इनको स्टीम के लिए रख देते हैं। उसके बाद और भी सारे तैयार करते हैं, तब तक ये स्टीम होता रहेगा। मोमोज को ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे हम। ये हमारा गुजिया शेप का मोमोज है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही रहने दें या चाहें तो इसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं। मैंने पानी नहीं लगाया है, अगर खुल जाती है, आपसे नहीं लगता है तो आप पानी लगा के उसे चिपका सकते हैं।
मोमोज को चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मोमोज हमारे तैयार हो गए हैं। हमने बटर पेपर को थोड़ा सा कट लगाया है ताकि स्टीम अच्छी तरह मिलती रहे। आप चाहें तो सोया ग्रेनुअल्स को तैयार करके और मैदे का डो तैयार करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कभी भी मन करे तो आप कभी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।